आज ठंड में हमने आप सबको तकलीफ यहाँ दी, मसला ही इतना इम्पोर्टेंट था कि हमने कहा आपके जरिए से हम कम से कम अपने आवाम तक और हिंदुस्तान के आवाम तक ये बात पहुंचाएं। जो अभी ड्राफ्ट प्रपोजल डिलिमिटेशन कमीशन का 20 तारीख को दिल्ली में मीटिंग में रखा गया, अपनी पार्टी एज अ पार्टी और एज वन ऑफ दोज स्टेक होल्डर्स, क्योंकि हम बाशिंदे हैं इसे, यूटी आप कहिए या स्टेट कहिए, जम्मू कश्मीर के, सो वी रिजेक्टेड इन टोटल। हैविंग सेड दैट, हमें उम्मीद है कि जब 5 अगस्त 2019 को हमारी पहचान हमसे छीन ली गई, हमारी शिनाख्त हमसे छीन ली गई, और जब हमारे उस स्पेशल स्टेटस को जिसके तहत जो एक वादा हुआ था उस वक्त 1947 में एक सेपरेट आइडेंटिटी हमारी मेंटेन की जाएगी, उस अंधेरे में जब वो उस अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ था, हमने रिस्क लेके सामने आए अपने लोगों के लिए, क्योंकि उस वक्त भी बिल्कुल इसी तरह हुआ था कि कोई सामने बात करने के लिए नहीं आता था, सियासतदान या तो जेलों में थे या चुपी सादी थी, लेकिन लोगों के मसाइल थे, लोगों की परेशानियां थी, होपलेसनेस का माहौल जैसा आज आप देख रहे हैं ऐसा ही माहौल था, हर तरफ खौफ हिरास था, लोगों को ये पता नहीं थी कि कल क्या होगा। आज फिर एक बार हमें इस जो हमारे लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था, इसने उसी जगह पे खड़ा किया है जहां का जम्मू कश्मीर के आवाम को ये पता नहीं है कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे बच्चों का हमसे सवाल है कि क्या है हमारे लिए, क्या है इस मुल्क में, क्या हमारे मुल्क में यही हमारे साथ हमेशा होगा, क्या इसी को कहते हैं मसावात, क्या ये जस्टिस है। हम ये नहीं कहते हैं कि जम्मू को या कश्मीर को, ये जो कोशिश की गई है, जो बहुत ही शर्मनाक कोशिश डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से की गई है कि जम्मू को कश्मीर से बिड़ाएं, इसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये मसला जम्मू और कश्मीर को आपस में बिड़ाने का नहीं है, ये मसला है हक और इंसाफ का, ये मसला है एक साइंटिफिक एक्सरसाइज का, ये मसला है एक रिवायात का, जो लीगल रिवायात है, जो पैरामीटर्स, जो इस कमीशन को जिन पैरामीटर्स में काम करना था। अगर इस कमीशन ने एक पार्टी के लिए काम किया है तो इससे बड़ी दर्दनाक कोई और चीज बात नहीं हो सकती है। जिस पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं, शायद वो पार्टी हिंदुस्तान के हक में काम नहीं कर रही है। जो आइडिया ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया, ऑफ अ सेक्युलर इंडिया इज डिफीटेड व्हेन सच थिंग्स आर डन। सो अपनी पार्टी विद ऑल इट्स फोर्स एट इट्स कमांड रिजेक्ट्स इट ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज हम मानते हैं, हमारा हमेशा मानना रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीजेपी दो अलग अलग चीजें हैं, इस पे हम हमेशा बात करते रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बीजेपी इज अ पार्टी, जिसका हमें मालूम है जम्मू कश्मीर में उनका क्या रोल रहा है, हमेशा से हम मानते हैं कि उनका एक नफी रोल रहा है जम्मू कश्मीर के तहत। हम प्राइम मिनिस्टर से अपील करते हैं कि वो वजात खुद इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फरीक बन के इंटरवीन करे, क्योंकि इस वक्त हम डायरेक्टली रूल हो रहे हैं दिल्ली से, डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें रूल कर रही है, वो कस्टोडियन है हमारे राइट्स के, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरवीन करे। हमें ये भी मालूम है, ये कहा जाएगा साहब इट्स क्वासी जुडिशियल कमीशन, क्वासी जुडिशियल कमीशन अगर होता तो इंसाफ होता, हमें तो लगता है इट हैज वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द बीजेपी और इट्स सो कॉल्ड एसोसिएट्स। जी, नंबर एक। नंबर दो, अपनी पार्टी हैज डिसाइडेड कि हमें एक साइलेंट मार्च, ब्लैक पट्टियां लगाकर एक साइलेंट मार्च एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस ड्राफ्ट प्रपोजल 29 तारीख को करेगी। वी हैव टू पोस्टपोन इट बाय टू डेज बिकॉज 27th एंड 28th हैपेंस टू बी स्नो प्रेडिक्शन।
मीडिया को हम बताएंगे कहां पर होगा. इट विल बी ओनली, इट इज हमको इट विल बी अ नॉन वायलेंट थिंग ओनली टू शो दैट हमारी आवाजें बंद की गई हैं और शायद हम फोर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए भी उस दिन ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जब हम मुंह अपने बंद ब्लैक पट्टियों से कर रहे हैं कि आप लोगों की जबानें भी बंद की गई हैं, क्योंकि आप लोग भी नहीं बोल सकते हो जो सच है, ना रिपोर्ट कर सकते हो जो लोगों की उम्र है. हमारी बाकी जमातें भी हैं इस खित्ते में. अफसोस है कि हम तो इसके कोई ना एसोसिएट मेंबर है ना हम कोई ऐसा स्टेटस क्लेम कर सकते हैं कि साहब हमें भी उसमें रखा जाए, लेकिन जिनको ये जिम्मेवारियां थी क्योंकि उनको लोगों ने मैंडेट देके इलेक्ट किया था, वो इलेक्टेड नुमाइंदे थे, उनकी फ्लिप फ्लॉप से कहीं ना कहीं हमें लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान हो गया. क्यों पहले ये कहना कि हम नहीं जाएंगे, अगर गए होते तो शायद ये दिन हमें देखना ना पड़ता, और आप जब गए हैं अब किसको सच माने, किसकी बात पे माने. वहां जो बाकी मेंबर है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि साहब इन्होंने अंदर एग्री किया और बाहर अब दूसरी कहानी कह रहे हैं. खैर मैं ज्यादा इस वक्त उस अंदरूनी जो हमारी अपनी यहाँ की सियासत है उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि हम सबको इकट्ठे देखा जाना चाहिए. वी ऑल शुड बी सीन टुगेदर इन डिमांडिंग द राइट्स ऑफ आवर पीपल, जो हक हमारे लोगों का है, और इसमें हम अपना सब भेदभाव छोड़ के सबको कहते हैं कि अपना अपना फोर्स इस्तेमाल करो, अपना अपना वजन इस्तेमाल करो. कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसका दिल्ली के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वास्ता नहीं है. क्यों सब है इक्तदार में रहे हैं, ये सच बोलने से क्यों कतराते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ तो सब रहे हैं, ये तो वो जमाते हैं इनका तो बीजेपी के साथ भी इतिहाद रहे हैं. इसलिए मैं कहता हूं इनको, चलो इस वक्त हम भूल जाते हैं आपके इतिहाद बीजेपी के साथ रहे किसी के या नहीं रहे, लेकिन इस वक्त हम सबका वजन है, आप सबका हमसे ज्यादा वजन है, हमारा थोड़ा कम है. हमारे भी जितने जितना वजन होगा हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी इम्प्रेस करें वहां कि साहब इंसाफ करिए. क्यों और मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर मुझे गिड़गिड़ाना भी पड़ेगा, अगर मुझे पाऊं भी पकड़ने पड़ेंगे, मैं किसी प्रेस्टेज पे नहीं बैठा हूँ. अगर प्रेस्टेज पे बैठना होता तो फिर सियासत नहीं करता, घर में बैठते हम करेंगे जो हम तक है. लेकिन बाकी लीडरों से भी गुजारिश है कि सब लोग करो, ये क्रेडिट और डिस्क्रेडिट की बात नहीं कर रहे चाहते हैं हम, किसको क्रेडिट मिलेगा किसको डिस्क्रेडिट मिलेगा. क्यों ये हमारी जनरेशन का मसला है, ये अमन अमान का मसला है, ये हमारे कम्युनल हारमोनी का मसला है, बाकी ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है. जब आप बात करेंगे तो रियासत या यूटी में 72% तो मुसलमान है, जम्मू में भी जब आप बात करेंगे तो 56% तो मुसलमान है. इसलिए हम ये हिंदू और मुसलमान का मसला जो प्रोजेक्ट एक नेशनल मीडिया यहाँ कर रहा है, क्योंकि कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने कुछ अखबार में देखा, कुछ डिस्कशन में देखा कि साहब ये हिंदू और मुसलमान का मसला प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये उन्हीं की बोली बोली जा रही है ना बीजेपी की. बीजेपी इज नॉट द सोल कस्टोडियन ऑफ दिस कंट्री, इट हैज नॉट टेकन ओवर द राइट्स ऑफ ऑल द पीपल. देयर आर पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू बीजेपी, और जैसे हम जैसे लोग हैं वी डोंट बिलोंग टू बीजेपी. मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर दे हैव नो कनेक्शन विद बीजेपी. सो हम उस सेक्युलर समाज को भी अपील करते हैं कि साहब गलत हो रहा है, ये हिंदुस्तान के हित में नहीं हो रहा है, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, और इसीलिए हमें उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर से भी अपील करते हैं कि आप इसमें इंटरवीन करिए और मिनिस्टर साहब से इंटरवेंशन की ये, क्योंकि इस वक्त उनका डायरेक्टर है. शुक्रिया. आई एम ओपन टू क्वेश्चंस. सर दो क्वेश्चन रहेंगे मेरे. पहला सवाल डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर ही रहेगा कि इफ इन केस डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट फाइल करती है और किसी तरह का चेंज एक्सेप्ट नहीं करती, उस केस में आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? सेकेंडली जब आप कहते हैं कि तमाम पार्टियों को एक साथ आकर एक आवाज बननी चाहिए, तो क्या इसको ये माना जाए कि आप एक इनविटेशन दे रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एटलीस्ट एक टॉपिक पर एक स्टैंड पर आकर खड़े हो जाएं, और अगर ऐसा है तो क्या आप डायलॉग इनिशिएट करेंगे उन पार्टीज? देखिए साहब हम बहुत छोटे लोग हैं,
कि हम कहें कि हम डायलॉग इनिशिएट करेंगे, बट वी आर ओपन टू इट क्योंकि कॉमन कॉज है, ये लिमिटेड सा कॉमन कॉज है कि सब लोगों की सही नुमाइंदगी नहीं की गई। 2011 का सेंसस जो कहता है उसके हिसाब से करो। हाँ, अगर कोई हिली ट्रैक कहीं पर है, आपको लगता है कि साहब डोंट कंपेयर इट कि साहब गुरेज और करना को छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये तो शर्म की बात है जो ये कहेगा क्योंकि गुरेज और इसको दिया गया है। तो फिर काफी जगहों पर आप उठाइए जम्मू प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में कितनी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी की गई। सो हम इट इज नॉट जम्मू अगेंस्ट श्रीनगर, आई एम नॉट टॉकिंग दैट। तो इसलिए हम कहते हैं कि साहब बड़ी जमातें हैं, बड़े लीडर हैं, और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेंबर्स हैं उन्होंने तो लोगों से वोट इसी पे लिया है ना कि हम प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्शन में तो हाँ नहीं कर सके, लेकिन अब इसमें जहाँ वो उनकी लीगल पोजिशन है दे शुड प्ले देयर पार्ट, एंड इफ दे थिंक हमारा कोई रोल है वी आर ओपन टू इट। हमें कोई ऐसा ये नहीं है विदाउट बिकमिंग पार्ट ऑफ एनी अलायंस और एनीथिंग, क्यों नहीं, वी आर ऑल इस मुद्दे पे हम सब एक है। मुझे जम्मू से अगर पैंथर्स पार्टी कहेगी आओ साहब यहाँ मसला है, मुझे कश्मीर से कोई भी जमात कहेगी, हमें कोई हम किसी प्रेस्टेज हम जात के लिए नहीं है नहीं करता। देखिए साहब वी शुड बी पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक, वी शुड नॉट बी पेसिमिस्टिक। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो हम लोगों ने भी किया होगा। अगर 3 दिन चुप बैठे हैं तो ऐसा ही तो नहीं बिल्कुल चुप बैठे हैं कि आपने देखा पहले दिन आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट गिविंग यू व्हाट वॉज ब्रीविंग अप इन आवर हार्ट्स, व्हाट वॉज ब्रीविंग अप इन आवर माइंड्स, दैट वॉज ब्रीविंग अप इन एवरी रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइंड्स। आई रिप्रेजेंटेड दैट बिफोर यू, आई गेव वेंट टू दैट, सो देयर मस्ट हैव बीन कॉन्ट्रैक्ट्स, देयर मस्ट हैव बीन कॉन्ट्रैक्ट्स। यू आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल, सो वी बिलीव दैट देयर शुड बी सम थिंग पॉजिटिव, वी होप सो। जब नहीं होगा तो ऑलवेज वी कैन ऑलवेज कम सिट टुगेदर एंड ऑलवेज टॉक टू यू, यू विल बी द फर्स्ट वंस टू नो व्हाट वुड बी आवर स्टैंडर्ड। मौजूदा रिजीम के हवाले से मैं एक आपसे सवाल करना चाहूंगा कि मौजूदा रिजीम ने अभी तक जितने भी फैसले किए हैं अभी तक तो ताहाल ये नहीं लगा कि उन्होंने कोई फैसला वापस लिया है। हदबंदी कंसिल के हवाले से अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो यहाँ की मुकामी यानी कश्मीर, मैं वादी कश्मीर की बात करूंगा क्योंकि अपनी पार्टी ने इससे पहले भी नई दिल्ली के साथ एक इनिशिएटिव लिया था और बात की थी जमीनों और नौकरियों के हवाले से, लेकिन अब एक नई आफत आई है यानी जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के लिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसमें अपने आप को कहाँ दी? देखिए मैं बताऊंगा, जहां तक नौकरियों का ताल्लुक है आपको मालूम होगा उस दिन भी एक सरकारी हुक्मनामा आया बिल्कुल जिसमें क्लास 4 नौकरियां ही रखी गई थी। शायद अपनी पार्टी की खाली वाहिद जमात थी जिन्होंने जाके वहां, उस वक्त भी हमने कोई ये नहीं कहा कि हमारे साथ साहब सब जम्मू कश्मीर के लोग हैं। हम गए रोए पांव पगड़े या मुक्का दिखाया वो तो हम और हमारा खुदा ही जानता है, लेकिन चेंज तो करवाया 24 घंटे में। आज तक हमें ना लोगों से क्रेडिट मांगा और ना मिला, लेकिन अपना जमीर हमारा खुश है कि हम जिस मकसद के लिए निकले कुछ तो हासिल किया। क्यों, हमारे लिए 5 अगस्त 2019 को सब उम्मीदें जम्मू कश्मीर के लोगों की टूट गई थी। इसी तरह जमीन के हवाले से जहां जहां गलत होगा, जहां जहां हमारे साथ जाति हो रही है, हम इसीलिए निकले हैं कि हम कोशिश करें अगर कुछ नहीं थोड़ा बहुत हम रिलीफ दिलाए। बाकी हम ये समझते हैं कि इस वक्त जिन हालात में जम्मू कश्मीर को डाला गया है और जितने भी फैसले आज तक हम देख रहे हैं रोज जो हो रहे हैं, आप ये ना समझिएगा कि हर चीज पे हम बोलते नहीं है, तकरीबन वी गिव आवर व्यूज, लेकिन हम भी देखते हैं कि किताब पूरा जम्मू कश्मीर के लोगों पे ही है, चाहे वो आप मीडिया वालों पे है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में जो कश्मीर जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन पे है, चाहे वो हमारे बच्चे जो मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ते हैं या खेलते रहते हैं, तो किताब तो है ही। हम एक मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं जो हमारी जिंदगियों में ऐसा शायद कभी इतना डिफिकल्ट दौर नहीं आया मजमूई तौर एज अ नेशन एज पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर आप अभी अपने अपना जो दामन है वो छुड़ा रहे हैं, आप भी एक बड़ी पार्टी है, जबकि आप मेरे नाम ले रहे हैं कि बड़ी पार्टीज है वो दे शुड हैव टू टेक इनिशिएटिव टू यूनाइटेड द ऑल पॉलिटिशियंस और रीजनल लीडर्स, तो आप क्यों नहीं इनिशिएट करते हैं? क्योंकि अभी जो बात की जा रही है 370 की, अभी सुप्रीम कोर्ट में 2 साल से वो पेंडिंग है जबकि कोई हियरिंग भी नहीं हुई है। यहाँ के पॉलिटिशियंस ज्यादातर यही
गीत अलापते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, लेकिन हेयरिंग के लिए कोई बात नहीं। देखिए देखिए मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ, अपनी पार्टी कतन भी अपना दामन इसे नहीं छुड़ा रही है कि हम मेहनत नहीं करेंगे कि कुछ ना कुछ रिलीफ हमें मिले डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से। मैंने आपको कहा मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई ओपनली कहेगा कि जो हमारा वजन अपनी पार्टी का है हमने शुरू किया होगा, ऐसा नहीं है कि हम, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने आपको कहा मैं रात की तारीकी में कुछ नहीं करता हूँ, मैं दिन के उजाले में हर चीज करता हूँ और मैं तो करूंगा इस्तेमाल। फिर क्यों गए हम दिल्ली? हम कोई अपने लिए कुर्सियां ढूंढने नहीं गए थे, हम कोई अपने लिए कंसेशन ढूंढने नहीं गए थे, हम तो जम्मू कश्मीर लोगों के नुमाइंदे बन के गए थे कि लोगों की आवाज कोई नहीं सुन रहा था। 5 अगस्त 2019 के बाद चुप ही था। हैविंग सेड दैट, चूंकि उन जमातों का एक अलायंस है, जो अलायंस मुद्दों पे बात नहीं करता है, अपनी पार्टी और अपनी पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ खाली बात करता है, इसलिए मैं उनको लोगों की नजरों में ये भी नहीं होने देता हूं कि उनको कल लोग ये सवाल ना करें कि भाई आज तो आप आवाएंगे क्यों। उन्होंने उसी पे इमारत अपनी बनाई है, चाहे वो रेत की इमारत है या वो शीशे की इमारत है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मसला ये सबका, ये किसी का घर का नहीं है, साझा मसला है, हम सबका है, जम्मू कश्मीर के लोगों को, हम ही तो नुमाइंदे, हम क्यों नहीं, इसमें क्या है? हम वी आर नॉट सिटिंग ऑन दिस प्रेस्टेज। इफ दे वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ अवर एफर्ट्स दे आर वेलकम, इफ दे वॉन्ट अस टू बी अ पार्ट ऑफ देयर एफर्ट्स लेट देम, दिस इज फॉर देम, वी विल हैव नो प्रॉब्लम। हमें हमें कोई नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूँ क्रेडिट वही ले जाए, हम क्रेडिट की बात भी नहीं करते, कम अज कम हमारे जमीर तो खुश हो जाएंगे, जमीर अपना खुश हो तो सब कुछ होता है। थैंक यू।